किसान भाइयों, खेत ज़्यादा सूख गया था। अब जा तो पहली बार में तो घरों सी आई, दूसरी बार में देखो धरती पैट दी, मिट्टी धकेल दी दोनों माई को। जो खाद ज़्यादा था वो काबू में आ गया। ये देखिए बहुत बढ़िया हो गया। अब जा वो जो चिंता सी थी वो नहीं मटकी, इसमें भी आएगा दोबारा। क्योंकि जब ये शुरू में आया था ट्रैक्टर, पहले जो डेमो हुआ था, तो भाई उस टाइम ये गिल्ला था तो गारा कट रही थी। फिर दो दिन का लॉकडाउन रहा, हम भी काम में लग गए, तो ये दो दिन लेट होने के कारण दूसरा डेमो दो दिन लेट हो गया। लेकिन फिर भी सूखे में देखो कितनी बढ़िया मिट्टी पलटी इसने, ये देखिए। लेकिन दोबारा चलाना पड़ा। अब इसमें पानी निकाल देंगे, क्योंकि इसमें कोई चिंता तो है नहीं कि भाई बंधेगी वो होगा। 15 दिन बाद में फिर जुताई आएगा, फिर डेमो करेंगे। दो बार किर्लोस्कर का हो गया, आपके किसी और का भी, ST वगैरह कई कंपनियां हैं, वो भी चाह रही हैं कि हमारा डेमो पूनिया जी करें, तो उनका भी नंबर आना चाहिए भाइयों। लेकिन ये किर्लोस्कर का बहुत बढ़िया लगा मुझे, मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है भाई। 28 इंच की कुल चौड़ाई है, इन्हें देखो 60 इंच पे मटेट फेंक दिया दोनों भाई से, साइड ऐसी बांध दी, घास दाब दी, ऐसी पल्ली तरफ से किया है। और देखो 60 इंच पे एक फ़ायदा, मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ। अगर 28 या 30 इंच का गन्ना होता इसमें, उसके अंदर घुसना बेकार था, मतलब घुसना ही मुश्किल था। बेकार क्या था, घुसना मुश्किल था, क्योंकि निकला नहीं जाता और सारे पत्ते मुँह को चीर देते। मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ भाइयों, और दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ब्याज भी अच्छा है, गन्ना पड़ चुका है देखिए काफ़ी। देखो ये कोई रोग लगा था इसमें, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, फिर चल पड़ी गोब, क्योंकि हमने तुरंत रोज लगा दी इसमें। एक आदमी आया था, ये टॉप बोरर सा, लेकिन तुरंत गोब स्टार्ट होगी। तो भाइयों अपने खेत में घूम घूम कर देखें, देखिए यहाँ भी अटैक किया कीड़े ने, लेकिन फिर भी गोप चल पड़ी। ये हमारा बबलू ज़्यादा एक्टिव है इस मामले में। ये देखिए यहाँ भी कोई रोग आया, लेकिन कंट्रोल हो गया। तो भाइयों इसका तो छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है अपनी फसल का, चाहे कोई सी फसल हो। कोई कीड़ा नहीं है फिलहाल, पोटाओ भी बहुत बढ़िया है, देखो जमाओ। अब इसमें हम एक काम करेंगे, जैसे ही एक और बड़ा होगा तो इसमें दांती लेकर बढ़ेंगे अंदर, और जो मूणा होगा उसको दांती से निकाल देंगे। ये देखिए भाई ये बहुत अच्छा हो गया, ये देखो गजब खूड़ हो गए। ये खूड़ कराना पड़ेगा एक बार, पावर टीलर चल रहा है, डैमो चल रहा है ज़बरदस्त, जो कंपनी के आदमी है चला रहे हैं। क्योंकि भाइयों हम पे तो चलाना भी नहीं आता, अभी सीख रहे हैं। ये देखिए सोनू बन रहा है, बेटे मेरे शेर, धरती पाड़ दी पूरी। देखिए भाइयों पूरा मटियार उड़ रहा है इसमें खेत में। अभी इसमें एक बार आया भाइयों, एक बार और आएगा, इसमें दोबारा चल रहा। बहुत बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों,
शाबाश भाइयों, मट्टी ऐसी फेंक रहा पाउडर बना के, इसका खाद लगेगा ऐसी तो 4x4 भी नहीं फेंकता। ये देखिए पाउडर बना दिया दोस्तों, दिल जीत लिया इसने, इंजन में ताकत बहुत है। बबलू पे नहीं चल पाया, वो तो डर रहा था, वो तो उनने तो रेस आधी रखी इसकी, मैसी की तरह इन्हें कराखे 2000 चक्कर। मैं आपको दिखाता हूँ सूखा खेतर डले नहीं पड़े भाइयों, देखो बिल्कुल मिट्टी का पाउडर बना दिया और ये पेंडे की जड़ में आ गई। और दोस्तों अगले पानी पे, जैसे अब खेत पानी मांग रहा ना, या तो बारिश पड़ेगी, आज 12 जुलाई है भाइयों, काम खींच दिया, दो दो बार किया आए, और धन्यवाद किलोस्कर कंपनी का जो डेमो किया हमारे यहाँ। ये देखिए कितना खतरनाक घास था, अब ये 4 खुड़ रह गए हैं 3। देखिए भाइयों कितना बुरा घास है भाइयों, झोटे के बस की नहीं था कंटीमीटर से, और 4x4 उसमें घुस नहीं सकता क्योंकि मजबूरी मैंने बताई है, ये गंडे टूट जाते। अब एक विकल्प यही था और इसमें ये कामयाब हुआ। ये देखिए कि जी लग गया खेत में, तबीयत खुश कर दीजिए। इसमें जब मैं आया था, जब बहुत बुरा हाल था खेत का, घसारे घास काट रहे थे, घास काटने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फसल घास काटने से तो नहीं होती, जब फसल में घास होगी, ज़मीन पट हो जाएगी, घास ही घास रहेगी तो फसल नहीं बढ़ पाती, जो खाद डालते हैं वो हमारा घास खींच लेती है ताकत उसकी। देखो पानी मांग रहा है बहुत ज़्यादा है, मुरझा रहा है, लेकिन जुताई भी बहुत ज़रूरी थी। अब ये देखिए अब पानी देंगे, फिर अगली बार फिर जुताई करेंगे इसकी। गन्ना बिल्कुल तैयार समझिए, ये आ रहा है घूम के, आज पूरी दोपहरी हमें ही होगी, 12 बजे लगे थे, इस टाइम 2:45 हैं। हालांकि हवा चल रही, इधर भी हमारी टीम बैठी है, बबलू ने चलाया था, बबलू रेस्ट कर रहा है, एक लड़का कंपनी की तरफ से है, अभी खाना वाना खा कर निमटे हैं सब, फिर शुरू हो गए। भाइयों इंजन नॉन स्टॉप 2.5 घंटे हो गए, बस बीच में लंच किया, लगातार चल रहा है, कोई गर्म नहीं हो रहा, महक नहीं मार रही, किलोस्कर कंपनी का है ना। क्या शानदार आवाज़ है, ये देखिए मट्टी कहाँ तक फेंक रहा है, देखो आप बेटे करने लग गए। ये देखिए दोहरा भी बना दिया इसने, भाई अब ड्राइवर चेंज हो गया, बबलू मंडा घमासान आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए बबलू अब ड्राइविंग कर रहा है इसकी, चीते की। भाइयों देखो इसमें तीसरी बार लाए हैं, देखो आ हा हा भाइयों, तबीयत खुश कर दी। ये देखिए पावर वीटर लेना है तो किलोस्कर का ही लेना है भाइयों, सोच लो, क्योंकि माननी हुई कंपनी है। देखिए तीसरी बार घुमाया, गारा काट दी खेत में और मट्टी देखो कहाँ लो फेंक दी। भाइयों इसमें एक प्लेट लगेगी, वो मैंने देख लिया, मनीष भाई ने भी सलाह दी है, ये 3-3 अंगल बाहर लगेगा कवर, वो इस मिट्टी को नो करती जाएगी अपने आप ही। लेकिन अभी हमने इसलिए नहीं लगाई, देखो अब इसमें जो नया ब्याँत आ रहा ना, समझदारी की बात है, वो सारा दब जाता, दोनों माई से मिट्टी आ गई, बारिश पड़ेगी तो ये मिट्टी बहके बीच में 4 अंगल से बंद कर लेगी। अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा जुताई का, क्योंकि ये तो ट्रंच विधि का है ना, इसमें तो जब लो मील में जावे, मील तक जावे तब तक मंडे ही रहो, तो फिर चलाएंगे अगली बार और तकड़ी मिट्टी आएगी। हम देखते हैं 4x4 वाले
गन्ने को सही रोकते हैं या हम रोकते हैं पावर टीलर से, ये किर्लोस्कर का हमारे साथ करार है, वो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर किर्लोस्कर वालों ने मौका दिया तो दूसरी कंपनी वालों को भी मौका दिया जाएगा। भाइयों देखो अभी इनमें एक बार निकला, दोबारा आ गया और ये तीसरी बार निकाला, इसका अलग ही मज़ा है। और देखो इसमें एक बार निकला, बुरा लग रहा, इसमें दोबारा आ गया, इसमें एक बार और निकलेगा। बबलू थोड़ा अभी सीख दे रहा है, ज़्यादा रेस पे चलाया नहीं जाता, उस पर जोर सा पड़े। और भाई ये तो कंपनी के हैं तो पूरी रेस खींच दे इन्हें, क्या पता किसका बलद भूसखा रहा। भाइयों देखिए इस खेत में जुताई हो गई थी फिर पावर टीलर से, पिछली बार हमने ये जुताई कर दी थी, कितना सुंदर हो गया। इस खेत से हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, आज उससे भी होगी, क्योंकि इस पहले वाले में घास बहुत थी, पिछली बार रह गया था आपका, उसकी कसर काट दी हमने। देखो पानी आएगा वो भी ऐसा ही बन जाएगा। अभी देखिए इसमें मिट्टी भाइयों, यहाँ बीच में झील है तो ये अगली बार भरेगी, जब देखना इसका मजा आप। और थोड़ी थोड़ी हम चुर्रैट लगाते रहेंगे, आज भी बबलू ने थोड़ी डाई में कुछ मिलाकर डाला। देखो भाइयों इसमें झूठ वाली बात नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, टंच का मतलब है एक डर, बात सुनना गौर से, क्योंकि जो कर रहे हैं उन्हें तो पता है भाई हमारे इतना गन्ना निकलेगा, हमारे अंदर बढ़ गया डर, क्योंकि हमें कई भाइयों ने कह दिया 50 कुंटल निकलेगी, क्योंकि उनका 100 कुंटल निकला है 28 की या 30 की, हमने वही 60 इंच पे, तो अपना आप ही आधा होगा, शुद्धा था हिसाब है, एक अनपढ़ भी हिसाब बता सके। तो इस डर की वजह से हम हर पानी में कुछ ना कुछ चुरनेट लगाते रहे, चुरनेट का मतलब है खाद वाद सा कुछ। तो देखो तभी हम जीत सकते हैं, वरना हम घंटी बजाओ जा प्रभु के गुण गाए जा, प्रभु को लोग बदनाम कर देंगे, नाम तो लो प्रभु का परमात्मा का, लेकिन कोशिश करो। अब देखिए इसमें मिट्टी हमें उतारनी पड़ी थी, बहुत अच्छा ब्याज जम गया, और पावर टीलर ने एक काम कर दिया, मिट्टी पूरी नहीं डाली, हल्की हल्की डाली जड़ में, इससे क्या हुआ इसका जो दमाव था, होता ना जमाव दियात बोलते हैं, वो नहीं दब पाया था। अब ये देखिए हल्की हल्की मिट्टी रपट गई, अगली बार में फिर जुताई होगी, आपका नरम सा करवाएंगे, तो तब देखना। अब इसका कमाल भाइयों खेत में जी लग रहा है, कुछ मेरे भाई कमेंट में कहते हैं ताऊ जी ने तो फ्री में काम करवा लिया, पहले ट्रैक्टर मंगाया, भाई फ्री में नहीं करवाया, मैं कंपनी के भी तो प्रचार कर रहा हूँ, जिसका डेमो होगा उसी को आप देखेंगे, उसी पे भरोसा करेंगे, उसकी चाल देखेंगे, आवाज़ देखेंगे, लोड खींचने की क्षमता देखेंगे। तो ये भाई ऐसी मजाक नहीं होनी चाहिए भद्दी, इसका बहुत गलत असर पड़ता है, क्योंकि चैनल जो है कई देशों में देखा जाता है, ये मजाक वाली बात ठीक नहीं है। चलो मैं तो आपकी मजाक का बुरा नहीं मानता कि कुछ लोग पर गलत असर होता है, समझे जी, अगर यहाँ डैमो ना होता तो कौन जानता किर्लोस्कर के बारे में, या ये और जगह डैमो ना करें। देखो कंपनी तो डैमो करती है, प्रचार करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, बिना प्रचार के कुछ नहीं है आज के ज़माने में, कोई भी फिल्म वो होती है रिलीज, उससे पहले उसके पोस्टर लग जाओ, उसका ऐड आन लगे, आपने देखा होगा सनी माहौल में आ रही है डाकू मंगल सिंह, जब मैं अपने ज़माने की बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी पिक्चर के ऐड आते और घोड़े भागते दिखाई देते, और बस हम जो तो जब पढ़ा करें थे 75-76 में, तो भाइयों घर से पैसे चुरा कर सहज में या फीस में से बचा बू चुके, जब तो टिकट भी 1-1.5 रुपये का आता हो, 1-1.5 रुपया इकट्ठा करना मतलब बड़ा मुश्किल होता, तो भाइयों उसी सनी में हॉल में पहुंचते थे जहां डाकू मंगल सिंह आवे थी, या रुक्का मचता सोले आ रही है गब्बर सिंह धर्मेंद्र। तो भाइयों अब हम डैमो वही ऐड हम कर रहे हैं यूट्यूब के द्वारा कि देखिए भाइयों किर्लोस्कर का पावर टीलर पावर वीडर क्या गजब काम कर रहा है। भाइयों सच में कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसकी ताकत देखिए, आज ये 12 बजे स्टार्ट हो गया था और 3 बज गए, 300 पर 3:30 लगातार चल रहा है, पूरी रेस दे रखी इन्होंने,
कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो का तू चल रहा।